मगन हरपल जी को ड्रामा सील था वो बहुत ही अच्छा ड्रामा। बचपन शो में आपको दिखाया जाएगा कि जब बहुत ही परेशान होता है आसिन अंबर की तरफ से और कहते हैं कि मामा आप मुझे सही बात क्यों नहीं बताती हैं कि आखिर अंबर ने क्या किया है। जब बात सुनती है तो परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं इसको पता ना चल जाए। जब आसिम देखता है अपनी माँ को सोचते हुए तो कहते हैं कि आप किस सोच में पड़ गई, आपने मुझे बताया नहीं। मामा देखिए छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिलती है इंसान को। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर सुंबल के साथ क्या हो रहा है और अंबर के साथ। आपने तरबियत तो बहुत अच्छी की हमारी लेकिन आखिर कहाँ आपसे भूल हो गए। जब बात सुनती है अलमास बेगम तो कहती है कि बेटा क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत सी गलतियाँ होती हैं इंसान से, शायद मुझसे भी कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। जब बात सुनता है आसिम तो कहता है कि देखिए मामा मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप अंबर की शादी कर दें। नासिर अच्छा लड़का है, अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अंबर ने क्या सोचा, क्या कहती है वो। जब बात सुनती अलमास तो कहती है कि क्या कहना है उसने, अब हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेगी, कर ली उसने अपनी मनमानी जो करनी थी। तो आसिम कहते हैं मामा मैं सुंबल की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। अलमास कहती है मैं खुद जाऊँगी और देखूँगी कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है, अली ऐसा तो नहीं था। आसिम कहते हैं मैं तो उसे सुलझा और बहुत अच्छे इंसान समझता था, मुझे नहीं पता था कि वो बदले की आग में जल रहा है। जब बात सुनती है अलमास बेगम तो कहती है कि उसका सारा बदला मैं खुद ही निकाल दूंगी, तुम इस मामले से दूर रहो। आसिम कहते हैं मैं कैसे दूर रह सकता हूँ, मेरी बहन है वो और उसकी तकलीफ को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब बात सुनती है अलमास बेगम तो कहती है कि तुम छोड़ो ये सारी बातें, बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं देख लूँगी सब कुछ। सब देखेंगे।